नमस्ते एवरीवन, आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सर्वमंगल साधके संतम की गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री कार्तिके नमः। ओम श्री नंदीश्वराय नमः। ओम हर गंगे नमः। ओम नमः शिवाय नमः। मैं दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय को पढ़ने जा रही हूँ। सुरत और व्यास को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथ में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महामात का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये व्यास तथा अन्यान विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंड जी कहते हैं, कौष्टकी जी, मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजा परहण से बहुत खिन्न हो चुके थे महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा और व्यास तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे व्यास उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रतापूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से परोक्ष बल देते हुए लगातार 3 वर्ष संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले व्यास, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंड जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः इस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणी के मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंड जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्तिपूर्व अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियो में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सर्वाणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण सर्वाणी मनमत कथा के अंतर देवी महामात्म सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि परमात्मा एक है, उसके अनेकों रूप हैं। हम विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान शिव और माँ दुर्गा मोक्ष प्रदायिनी हैं। भगवान गणेश और सिद्धदात्री देवी की कृपा से सिद्धि प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में हम ईश्वर की पूजा करते हैं। सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। आप चाहे पूजा करें, चाहे आप ध्यान करें, पूजा की हायर स्टेज को ही ध्यान कहते हैं। जब आप प्रारंभ में धीरे धीरे ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो ध्यान लगता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास करते करते सालों साल बीतते जाएंगे और फिर धीमे धीमे आप सब कुछ आपका स्वतः होने लग जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इट विल बी ऑटोमेटिक, क्योंकि समय आने पर ही फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही समय आएगा आपको सभी चीज़ों का अनुभव होगा और सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। यह सृष्टि पुरुषा और प्रकृति पर आधारित है। हम भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान विष्णु महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम ब्रह्मा जी और गायत्री माता की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती माता, माँ अन्नपूर्णे माता, सब माताएँ एक हैं, सब भगवान एक हैं, लेकिन हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना अलग अलग मंत्रों के उच्चारण से करते हैं, लेकिन पूजा का उद्देश्य, सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष को प्राप्त करना और जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना। यही जीवन का
अंतिम लक्ष्य है। हर एक आत्मा उस परमात्मा का अंश है। आत्मा दैवीय गुणों से भरपूर है, लेकिन अनेकों जन्म लेने के कारण आत्मा अपने दैवीय गुणों को भूल जाती है और यही कारण सफरिंग का होता है। तो हमें अपने दैवीय गुणों को पहचानना है और प्योरिटी के साथ, डिविनिटी के साथ हमें उस परमात्मा से, उस ईश्वर से कनेक्ट होना है। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। शुभ चैत्र नवरात्रि। जय माता दी। धन्यवाद।